अब मैं आ चुका हूँ यहाँ मसूरी। एक्चुअली कल रात को यहाँ मसूरी में आया था, लेकिन कैसा था ना, मोबाइल पूरा बैटरी 0% हो चुकी थी, तो मैं शूट नहीं कर पाया। तो फिर मैं अभी आप, और रात में आपको सीन दिखता भी नहीं, तो बेसिकली मैं अभी आपको मॉर्निंग में मसूरी का फुल यहाँ सीन दिखाने वाला हूँ। देख रहे हो ना, ये पूरा सीन मसूरी का है। टेम्परेचर यहाँ भी लो है, लेकिन फिलहाल थोड़ी कम ठंडी लग रही है कल रात के मुकाबले। फुल माउंटेंस यहाँ भी हैं, और हमारा जो होटल है जिसमें हम रुके हुए हैं ये भी माउंटेन के बीचों बीच है, और इसलिए यहाँ पे ना फॉग बहुत ज़्यादा है और ना ठंडी भी लग रही है। वहाँ जो आगे के जो माउंटेन्स हैं ना, पूरे फॉग में कवर हो चुके हैं सबके सब, और ये लोकेशन बहुत ज़ोरदार है ये होटल की यार। अपने निकल रहे हैं और कहाँ जाने वाले ये भैया हमको बताएंगे। भाग कर रहे हो, किधर जाने वाले हम लोग अभी? हम जा रहे हैं केम्प्टी फॉल। ये कहाँ पर है? ये मसूरी से ऊपर पड़ता 20 किलोमीटर। देखते रहो वीडियो, आगे की सीन दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ का एक बहुत ज़ोरदार वाटरफॉल दिखा रहा हूँ, यहाँ जा रहा है बहुत ज़ोरदार। एक तो जो पीछे वाटरफॉल देख रहे हो, यहाँ का बहुत फेमस वाटरफॉल है। पानी का फ्लो तो यहाँ बहुत ज़ोरदार है, मैं और भी दिखाता हूँ आपको। फुल यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से उस तरफ चले जाएगा पानी। शूट वहाँ टॉप पे हुआ और पानी वहाँ बह के यहाँ आ गया, और यहाँ से बह के वो और नीचे जा रहा है। बहुत ज़ोरदार लग रहा है, व्यू भी बहुत सही है, ठंड भी बहुत है, और पानी थोड़ा थोड़ा उड़ उड़ के हम पर भी आ रहा है। वहाँ से बह के आ रहा है, यहाँ पे कलेक्ट हुआ और फिर यही रास्ते से बह के इस तरफ जा रहा है। सर जी को खुद खाना खिलाने वाले थे पार्ले जी, लेकिन ये इतने आक्रामक है, हमारे हाथ से छीन के भाग गए। ओ इधर, ओ ओ भाई, अरे भाई इधर इधर भाग गए भाग गए। और इसी के साथ सफर में आगे बढ़ते बढ़ते हमें हिमालय की सफेद चोटियां दिखाई देने लगी। हम लोग आ चुके हैं अब धनौल्टी का ये जो पार्क है यहाँ पर। यहाँ पे स्नोफॉल भी हुई थी और ठंड हद पार हो चुकी है, बहुत ठंडी है कसम से। कैसा लग रहा है ठंडी में? बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपनी टोपी नहीं लेके आई है, और ये अपने ओढ़नी से कान ढकना पड़ा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं ठंड है जिनकी हालत खराब है। देखिए ये ऐसे लोग भी हैं जिनको ठंड नहीं लग रही है, अब बताइए ऐसे लोग का हम क्या करें। लेकिन ठंड बहुत है, मुंह से भी फॉग निकल रहा है। आगे मिलते हैं। यहाँ पर ना बहुत ज़ोरदार नेचुरल ब्यूटी है। एक्चुअली हमको बताया गया था यहाँ बर्फ़ गिरी होगी, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरी है, वो बहुत दिन पहले गिरी थी। लेकिन ठंडी अभी तक है, और अभी तक देखो सब लोग ने कैसे अपने आप को ढक के रखा है। ये हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े जी हैं, मतलब हमारे ग्रुप के लाइन से सब लोग। देखिए भिड़े जी कर्तव्य निभा रहे हैं। बर्फ की ना बहुत स्लिपरी हो चुकी है, और बहुत कम बर्फ बचा है यहाँ पे। लेकिन ना लाइफ में पहली बार सामने इतने सारे बर्फ देख रहे हैं हम, तो बहुत जोरदार लग रहा है हमको। आप लोग भी एक बार यहाँ पे आओ और खुद ये जगह देखो यार, अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही एक थ्रिल है इस जगह में, मजा आएगा। लोग नीचे आए तो हमको थोड़ा बहुत बचे खुचे बर्फ दिख गए। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे पे, ये वाइट यही बर्फ है, और सब तीन चार दिन पुराना ये बर्फबारी हुई है यहाँ पे। लेकिन अभी तक यहाँ पे वो बर्फ थोड़े थोड़े रह चुके हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये बर्फ पिघलने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं पूरी तरह। अच्छा लग रहा है। कैसा फील हो रहा है? एकदम अच्छा, जानने आए फीलिंग है। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम मैगी जब सामने आ जाए फिर क्या कहने। तो मैं मैगी खाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। लोग आग सेक रहे हैं और आग के मजे ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है इतनी ठंड में यार, जब आग मिल जाए और थोड़ी बहुत उसकी गर्माहट मिलती रहे, मज़ा आ जाता है। रात बहुत हो चुकी है, हम लोग अपने होटल पे वापस आ गए, तो मैं अपना ये ऑल ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कल सुबह जहाँ जाएंगे मैं वापस से वहाँ का दिखाऊंगा आपको।